लोग बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत कर रहे हैं, ये पैराग्राफ की खिलाफत कर रहे हैं। सर ये बात माननीय स्पीकर साहब मैंने पहले भी कही थी, आज मैं फिर कहना चाहता हूं, इस सदन को अदालत न बनाया जाए। देश की जनता ने हमें सार्वभौम अधिकार दिया है कानून बनाने का, और हमें कानून बनाने का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और मैं इस सदन को संविधान और कानून के छात्र के रूप में बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा, इस सदन को यह भी शक्ति है कि हम जजमेंट को अंडू कर सकते हैं, उनके आधार को बदल सकते हैं। हमको इतना पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो आप क्यों कर रहे हैं? मैं न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, बट प्लीज फॉर हेवन सेक आई वुड अर्ज द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ दिस हाउस, ऑगस्ट हाउस, डोंट मिनिमाइज योर पावर। The people of the country have given you sovereign power to frame laws. That's your right. You need to understand. Oh, Giriraj ji, पता नहीं ओवैसी साहब कहाँ चले गए? मुझे बहुत संदेश दे रहे थे, कुछ तलखी भी लगी थी। मैं उनसे आज बड़ी विनम्रता से कहूंगा उनके अनुपस्थिति में कि अपनी तलखी को तीन तलाक के लिए वेट करिए, उस पर बातचीत करेंगे, उसको आने दीजिए। सर हमने इस कानून में क्या किया है? सर बहुत संक्षेप में बता दूं, सर एक हमने जो सुप्रीम का निर्देश था कि चाइल्ड को यह कहने का अधिकार है कि हम इससे अपने को बाहर जा रहे हैं, नंबर एक। सर दूसरी बात, क्षमा करेंगे सर मैं यहां, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टेलीग्राफ एक्ट में और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो आपने काम किया है तो आप एक सर्कुलर से किया था और एक रूल से किया था, इसको एक्ट से करिए। अब सर मैं एक बात साफ साफ बता दूं, मैं अभी उस प्रावधान को पढ़ूंगा, इस पर बहुत चर्चा हुई है, एंड आई वुड लाइक द ऑनरेबल मेंबर्स टू काइंड लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। नंबर वन, आधार इज वॉलंटरी इन केस ऑफ टेलीफोन, आधार इज वॉलंटरी इन केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आई जस्ट रीड दैट। सेकेंड, देयर इज ए क्लियर इंजंक्शन सर, दे कैनॉट स्टोर एनी आधार डेटा और बायोमेट्रिक्स, और अगर वो करेंगे तो 1 करोड़ का उनके ऊपर लगेगा फाइन। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई एंटिटी है सर, अगर वो आधार के लिए आग्रह करती है तो उसको परमिट किया जाएगा, लेकिन 3 शर्तें होंगी। नंबर एक, इट मस्ट बी बैक बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट। नंबर दो, इट मस्ट बी फॉर ए लेजिटिमेट स्टेट ऑब्जेक्टिव, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा। नंबर थ्री, द UIDAI मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न हैव बीन एड्रेस्ड। जब तक ये 3 नहीं होगा तब वॉलंटरी बेसिस पर ही वो देंगे। और सर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, कि किसी को भी सर्विस डिनाई नहीं करेंगे अगर आधार नहीं है तो। This was being debated repeatedly. The present amendment clearly postulates Section 5 Amendment, Clause 4, Telegraph Act, and also the Money Laundering Act. You shall not deny anyone the benefit of this whole scheme in the absence of Aadhaar.